आपने दो दिन की मोहलत दी थी एडमिनिस्ट्रेटर साहब को, वो डिलीवर नहीं कर सके। दो दिन गुजर गए, आज 3:30 बजे 48 घंटे पूरे हो गए थे, इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। कल इंशाल्लाह कल दोपहर में मैं यूनिवर्सिटी रोड पर मौजूद हूंगा, अपनी पूरी सिविल सोसाइटी को इनवाइट करूंगा सोशल मीडिया के जरिए कि आए मेरा साथ दे इस मुहिम में। ये अकेले मैं नहीं कर सकता, जब तक ये लोग मेरे साथ नहीं होंगे अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों ने मेरा साथ देना है और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं जेल चौरंगी से लेके सिफूरा चौरंगी तक जो बे इंतहा पसमानदा हुआ हुआ है, इस पर जितने गटर्स हैं इसको मैं फिक्स करूंगा। और अवाम से जो कि पब्लिक है, जो मुझे सुन रही है देख रही है, उनसे अपील करूंगा कि जहां जहां इस शहर में आप लोगों को कचरा कुंडी, खुले गटर, खड्डे, सेवरेज सिस्टम, खराब रोडें और इस किस्म के बेशुमार इश्यूज हैं, आप उनको खुद से हाईले, मेरी पहुंचने की जरूरत नहीं है। मैं जाऊंगा, मैं घूमूंगा, लेकिन मैं अकेला आदमी, 2.5 करोड़ की आवाम है, 2.5 करोड़ का शहर है, 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, मैं कहां कहां जाऊंगा। आपने खुद से ये भेड़ा उठाना है, क्योंकि जब तक ये आप नहीं करेंगे हालात नहीं बदलेंगे। आप सिर्फ उधर फिक्स इट लिखें, हैशटैग फिक्स इट, और जब आप और जब वो फिक्स हो जाए गवर्नमेंट की तरफ से या हमारी तरफ से, तो फिर हम या आप उधर लिखेंगे फिक्स्ड। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये मुहिम कराची से शुरू होगी और इसका इम्पैक्ट पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि कल दोपहर को आप यूनिवर्सिटी रोड पे मेरे साथ होंगे और हम इस यूनिवर्सिटी रोड के सिर्फ गटर ही नहीं, बाकी मसाइल भी हाईलाइट करेंगे, लेकिन गटर्स को फिक्स करेंगे। शुक्रिया।